नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। यहां पर मेरे पास एक आर्टिकल है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है सेंट्रल को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्टेट के गवर्नमेंट को। अब ये किसके बारे में है, डिटेल क्या दी गई है और नीट में इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, वो मुझे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो केस जो है ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में है। दो तीन सालों से सेंट्रल का जो ऑल इंडिया कोटा रहता है 15% सीट जिसकी काउंसलिंग रहती है, उसमें ओबीसी कोटा के काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसी तरीके से आंध्र प्रदेश के स्टेट में और तेलंगाना के स्टेट में भी ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गवर्नमेंट को भी, कि उनकी क्या राय है, उनका क्या प्रॉब्लम है ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में और क्यों वह इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं ओबीसी के जितने भी प्रेजेंट रिजर्वेशन रहते हैं नीट के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे मुझे इसके बारे में और न्यूज़ मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन अभी जो बेसिक फैक्ट यह है कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए ओबीसी के कैंडिडेट के लिए नेशनल पूल एमबीबीएस, बीडीएस और पीजी मेडिकल एडमिशन में। लेकिन जो 15% ऑल इंडिया कोटा रहा है उसमें कुछ अलग से रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन किए जा रहे हैं और वहाँ पर 27% रिजर्वेशन ओबीसी कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आता है वह सब कैंडिडेट को, सभी जो अथॉरिटी हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा और हो सकता है कि नीट 2019 में कुछ चेंजेस हो। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारा जो चैनल है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।